नमस्कार दोस्तों, मैं दीपी पंजाबी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर पर बनाएंगे अचारी मसाला आलू। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अचारी मसाला आलू बनाने के लिए यहाँ मैंने चार आलू लिए हैं, जिसे मैंने उबाल लिए, छील कर रख लिया। अब मैं इसके पीस बनाऊंगी। यहाँ मैंने आलू के बड़े बड़े पीस बनाने हैं, छोटे छोटे पीस नहीं करने आपको। देखिए मैंने आलू के बड़े बड़े पीस बना लिए हैं। और यहाँ मैंने मसाला बनाने के लिए लिए हैं दो बड़े प्याज मीडियम साइज़ के, अदरक थोड़ा सा, तीन हरी मिर्चें जिसे मैंने चॉप करके रख लिया है। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और कढ़ाई मैंने तेल भी डाल दिया। यहाँ मैंने एक कड़छी तेल की डाली है। इसमें मैं डाल दूँगी पहले जीरा, फिर मैं डाल दूँगी इसमें अदरक। अदरक को मैं 2 मिनट, अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, इसे मुझे 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, जो प्याज हमारे अच्छे से गल जाए। देखिए प्याज जो पारदर्शी हो गए हैं, यानी कि मतलब अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च जो मैंने काट कर रखी थी, और साथ में मैं डाल दूंगी इसके हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इसके लिए 2 मिनट ऐसे ही हल्दी को अच्छे से पका लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, हल्दी जो अच्छे से पक चुकी। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू जो मैंने काट कर रखे थे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आलू का कलर भी कितना अच्छा हो गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना आपको। मैंने आलू को 3-4 मिनट भून लिया है हल्दी पाउडर और जो मसाला मैंने जो तैयार किया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ मैं लूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैं इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो हमने इसमें अचार का मसाला डालना है उसमें भी नमक, मिर्च और हल्दी भी होती है, इसलिए हमने मसालों का जो है थोड़ा कम ही प्रयोग किया है इसमें। 1/2 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिया है जो हमने मिर्च और नमक डाला था इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर, और इसमें मैंने डालने के लिए थोड़ा सा गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने कूट कर रख लिया है। गुड़ का प्रयोग आप जब भी अचारी मसाला आलू बनाएं जरूर प्रयोग करें, क्योंकि गुड़ डालने से जो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। यहाँ मैंने अचार का मसाला लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ चारी ही जो मसाला आलू है, अचार का मसाला डालने से जो उसका जो टेस्ट एकदम बहुत ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से जो मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, और इसे फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है। थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए। आप ना भी चाहे तो इस्तेमाल आप ना भी करें, पर मैंने इसमें आज कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है। और इसे अच्छे से कश्मीरी लाल मिर्च के साथ मिक्स कर दूंगी। ये मसाला कितना अच्छे से बन गया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए मध्यम हीट पर ढक कर रख दूंगी। देखिए जो कलर भी छोड़ दिया है,
आलूओं ने, और देखिए कितना भी तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। यानी कि हमारी सो सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अचारी मसाला आलू बिल्कुल रेडी है बनकर। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए अचारी मसाला आलू को मैंने सर्व कर दिया है। ये कितनी लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर दूँगी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल पर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू।